हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण कुमार और कॉमर्स सब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि वो उसका फॉर्मेट कैसे होता है और वो कैसे बनाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इस तरह से आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, ये पहले फाइनल अकाउंट तैयार होता है। फाइनल अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इस तरह का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जो भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाया है, उसमें नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उस नेट प्रॉफिट को आपको यहां लिखना है बाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में जो भी नेट प्रॉफिट आया, उसके लिए आपको लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसका जो अमाउंट आएगा वो यहां पे लिखना है। अगर बिजनेस में कभी कभी लॉस भी आ जाता है, लॉस आएगा तब क्या करना है आपको, डेबिट साइड लिखना है। तो नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको बिजनेस में या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज मिलेगा। तो जो भी मिलेगा उसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं। वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना है और वो इंटरेस्ट को लिखना है डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिख रहे, इसलिए टू लिखते हैं। जो भी पार्टनर्स हैं आपके, उनका नाम लिखना है, जितना इंटरेस्ट उनको दिया जा रहा है वो अमाउंट लिखना है और ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देना है। उसी तरह से पार्टनर्स को हम लोग सैलरी कमीशन देते हैं। पार्टनर को सैलरी कमीशन रेमुनरेशन जो कुछ भी मिलेगा आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो इंटरेस्ट हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपके पार्टनर्स का जो भी नाम है वो लिखना है, जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो लिखना है, फिर ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देना है। कभी कभी कुछ प्रॉफिट का पार्ट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो अगर वो लिखा हुआ है तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके लिए एंट्री लिखेंगे हम लोग टू ट्रांसफर टू
ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। इतना सारा एंट्री करने के बाद इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा, डेबिट साइड कम हो जाएगा, तो ये सब ऐड करना है, इससे माइनस कर देना है, जो बचेगा उस अमाउंट को यहां लिखना है बैलेंसिंग फिगर, और इस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहां देख रहे हैं प्रॉफिट जो बचा बैलेंसिंग फिगर, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए और इसका हेडिंग बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड लिखने से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी इधर आपका जैसे क्रेडिट साइड में ज्यादा हो गया, कभी कभी डेबिट साइड में भी ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में ये पूरा काम आपको क्रेडिट साइड में करना है। तो स्टूडेंट्स ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।